नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे की प्रमुख समाचार पर। देश की सुरक्षा करने वाला सैनिक रो रहा है खून के आंसू। अमेठी में न्याय के लिए अपने परिवार के साथ जमीन पर धरने पर बैठा सैनिक। जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी लगातार दे रहा है धमकी, तो अमेठी तहसील पर सैनिक परिवार बैठा धरने पर। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के निवादा कनू का पूरा मामला। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है सैनिक और देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाला सैनिक खुद के परिवार की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठने को मजबूर है। तो वहीं एसडीएम अमेठी ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है, पुलिस और राजस्व की टीम गठित कर दी गई है, मौके पर जाकर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अमेठी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आज एक सैनिक बैठा था, क्या प्रकरण था पूरा ये? एक सैनिक आया था विदेश, इसने बैनामा लिया है लगभग 6 माहपुर। बैनामे की ज़मीन पे इसका कब्जा नहीं है, और जिससे इसने बैनामा कराया है वो भी स्वयं जोतता बोतता नहीं था और ना ही उसका कब्जा था। उसने भी बटाई पे किसी को ज़मीन दे रखी थी, उसी ज़मीन में इसका ये कहना है कि गांव के एक व्यक्ति है, उसने थोड़ा सा छप्पर रख लिया है और वहाँ पे ग्राम समाज भी है। तो ये चारा ये इसका ये कहना है कि वो हमारी ज़मीन में छप्पर रख रहा है, जबकि इसका कब्जा अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी इसके एप्लीकेशन लेके और राजस्व टीम और पुलिस को भेजा जा रहा है मौके कि देख ले प्रकरण क्या है और पैमाइस करके रिपोर्ट दे। आपके ऑफिस सामने धरने बैठ गया था? पता नहीं, जानकारी नहीं हुई। आता हमसे बताता, सारी बात बताता तो हम समझते क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन पता लगा हमें कि बैठा है तो फिर इसको बुलवाया गया। फिर पूछा क्या मैटर है तो तब इसने बताया कि ये मैटर है और इसका निस्तारण हो गया, वो चला गया है, पैमाइश आज शाम को करा दिया। मेरा नाम लांस नायक ब्रजेश कुमार दुबे है, जो 40 राष्ट्रीय राइफल जम्मू सोजिया सेक्टर में तैनात हूँ। मेरा गांव कौलपुर कनू संग्रामपुर थाना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है, किस लिए आप बैठे हैं, पूरा मामला बताइए। मेरी ज़मीन, मैं एक ज़मीन बैनामा लिया था 1 से 1.5 साल पहले, जिसकी पैमाइश अखबारी तहत करवा चुका हूँ, और मैं उसमें अपना छप्पर रखा था। उसमें कुछ SC ST के लोग, 7 से 8 लोग था, उनके घर की महिलाएँ जिनका नाम सुरेंद्र, राम बहादुर, मथुरा, सजीवन, तुलसीराम, विजय कुमार, श्री राम इत्यादि, उनके घर की महिलाएं तथा बच्चे हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं, और वो हमारे को जाने से मना करते हैं, अतः हमारे बच्चे और बीवी को जान से मारने की धमकी देते हैं। अतः हम क्या करें, हमारी ज़मीन मिल नहीं रही है। अब तक किससे मिले? अब तक मैं DM के पास दे चुका हूँ अप्लीकेशन जाके, SDM के पास 2 बार, 3rd, 3rd बार आया हूँ मैं, उसके बाद थाना प्रभारी के पास जा चुका हूँ मैं, अभी CEO साहब के पास जा चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि राजस्व की टीम जाए अभी, तभी आपका मैं चल के तुरंत कब्जा कराऊंगा। अभी मैं क्या करूँ बताओ, राजस्व की टीम बोलती है सिविल कोर्ट आप जाइए। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? अभी मेरे को नहीं, मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा हूँ, जो कि हमारे जहाँ हमारा पोस्ट है वहाँ से 500 से 700 मीटर दूरी है पाकिस्तान का बॉर्डर। हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी ज़मीन की सुरक्षा यहाँ नहीं प्रशासन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें, हमारा बच्चा और बीवी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं अभी मैं क्या बताऊँ। प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप, अभी मैं जाऊँ कहाँ बताओ आप। यूपी के प्रयागराज जिला के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोहडार ग्राम सभा में आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया एवं भारत के शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, जिसकी अगुवाई में भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष विमल जैन, ग्राम प्रधान सोनू संगीता केसरवानी, मेजा ऊर्जा निगम संविदा मजदूर संघ विमलेश मिश्रा और भाजपा के कार्यकर्ता रंजय गाना, मगन लाल तिवारी, पप्पू केशरी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। खीरी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। Hey! 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 H
जौनपुर जिले के मछली शहर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछली शहर में डॉक्टर बीएल यादव मेडिकल ऑफिसर ने कोविड-19 व कोरोना वायरस के संबंध में अहम जानकारी देते हुए बताया कि अंग्रेजी दवाओं को ज्यादा महत्व में न देकर हमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रोग का दवा अभी आने में सालों लग जाएगा। इसके अलावा लोग कई प्रकार के घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं और कहीं ना कहीं असरदार है। ये सभी नुस्खे आयुर्वेद से संबंधित है और क्या कुछ कहा डॉक्टर ने, आइए जानते हैं सुजानगंज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट द्वारा। आपका शुभ नाम क्या है सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं डॉक्टर बी एल यादव मेडिकल ऑफिसर सीएससी मछली शहर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम से। थैंक यू सर। सर ये जो कोरोना महामारी की बीमारी चल रही है, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है मेडिसिन की कमी की वजह से जाँच नहीं हो पाती, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए इस वैश्विक महामारी जो नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है, अभी इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में मैं देखिए आयुष का डॉक्टर हूँ इसलिए आपको बताता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा जांच के दायरे में न जाए। ये दो प्रकार का है, एक सिम्टोमेटिक है एक असिम्टोमेटिक है, तो ऐसे में हम पूरी तरह से जांच करके भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अगर सारे लोगों की जांच करना शुरू कर देंगे तो ये वर्षों लग जाएगा। ऐसे में आयुष का साथ दें, आयुष के डॉक्टर हमारे जो है फ्रंट लाइन में डटे हुए हैं, आप देख भी रहे होंगे चैनल के माध्यम से भी, आप लोगों के द्वारा भी पता चलता है कि हमारे आयुष के डॉक्टर हर जगह पे खड़े हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरा देश कोई भी दवा के बारे में नहीं जान रहा है कि इससे कोई दवा निकली या नहीं है, सब सारे देश वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक वेदों में दर्ज है, ऐसे वेदों से जो आयुर्वेद निकला हुआ है, आयुर्वेद में ही दवा है। अभी आप देख रहे होंगे सब हल्दी दूध का सेवन कर रहे हैं, ये हमारे आयुर्वेद की ही एक बहुमूल्य चीज़ है, हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं और जो गिलोय का सेवन कर रहे हैं और हरी साग सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं, लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे हम इम्यूनिटी बढ़ा करके इस संकट की घड़ी में जो इम्यूनिटी जिसकी तेज है वही पे सही है, और ऐसे में आयुर्वेद का पालन करें। और ख़ास बात और, लॉकडाउन में हम लोग घर में ही रहे हैं, ऐसे में सभी के बॉडी के अंदर विटामिन डी डिफिशियंसी हो गई है, तो हमारा आपके माध्यम से ये संदेश है कि कम से कम सूर्य स्नान, आयुर्वेद की पद्धति है सूर्य स्नान, सुबह सुबह थोड़े देर तक सूर्य के सामने रहें, इससे हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलती है और हमारी इम्यूनिटी तेज रहती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी सही है तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से हमारा मुकाबला करना है, और इसके लिए हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी साथ दे रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं कि सभी हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपकी टीम को भी बधाई, और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभी लगे हुए हैं कि समय के साथ लॉकडाउन करके ये महामारी को गति को रोक दिए हैं, जिससे हमको पर्याप्त समय मिल गया है और इस बीमारी से लड़ने में सहायता मिल रही है। यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के ग्राम नौगवा पकड़िया में एक विधवा वृद्ध महिला ढाबा चलाकर परिवार का भरण पोषण करती है, उसी जमीन को कुछ दबंग हड़पना चाहते हैं, न्याय पाने को महिला राजस्व विभाग के लगातार चक्कर काट रही है, वही विभाग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पीलीभीत से उमेश वर्मा की रिपोर्ट। कहाँ रहती हैं आप? नौगवा पकड़िया। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या है कि हमारी पीछे जमीन है जगह, तो वह भूरा और का ना होगा तो खरीदना चाहे, अब बताओ हमारी जब होटल है तो जो चारा हमारे बालकनों को बहुत बंद है, तो हम क्या करें बताओ, हमारी जब छीने लग रहा है, हमारे पांच बालक हैं, कल भाई नापन आए तो हमारी कोई सुनते ही ना है। कौन आया नापने? नेपाल आए, जब कल आए हैं तो यहाँ हम आए तो कोई हमारी सुनवा ना आई, कब बात की, पुलिस वाले आए जो भी आए हुए वो और वे धमकी दे रहे हमारे लिए। तहसीलदार भी साथ में आए थे क्या? हाँ, मान लो को आए नाप आए हैं, कह रहे हैं कछु सुनवा है ये ना हमारी आई, जो देवर हमारे तो वे कार्यकर्ता हैं, हम उन्हीं के ऊपर हैं।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने चाइनीज सामान पर रोक लगाने की मांग बरेली से की। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने मलखान सिंह यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद अब समय आ गया है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब मिले। उसे न केवल सामाजिक सामरिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी माकूल जवाब दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में मलखान सिंह यादव, विशाल यादव, मोहम्मद खालिद, कंचन यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। जी, मैं मलखान सिंह यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो चीन में जिस तरह से हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, जो धोखे से चीन ने हमारे जवानों को मारा है, और ये चीन जो है हमेशा झूठ बोलता रहा है। 5 जून के लिए जब हमारे जो है देश के बड़े बड़े ब्रिगेडियर लोगों की मीटिंग हुई, तो उसने कहा कि हम 5 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, मगर हटने की बजाय उसने रात में धोखे से प्रहार किया और निहत्ते हमारे वीरों को जो उसने मारा। इसके विरोध में हम लोग प्रधानमंत्री के लिए डीएम के द्वारा एक ज्ञापन देने आए हैं कि ये चीन हमेशा झूठ बोलता रहा है। हमारे आदरणीय नेताजी ने हमेशा लोकसभा में कहा कि हमें इतना पाकिस्तान से खतरा नहीं है जितना हमें चीन से खतरा है, हमेशा नेताजी मुलायम सिंह बोलते रहे, मगर इस सरकार में किसी ने नहीं सुना। आज क्या हालात हैं देश के, बताइए कि चीन में चीन घुसपैठ बनाते चला आ रहा है और हमारे देश के नेता सोते सो रहे हैं। देखते हैं भी कि समाचार आए। कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।